वेलकम टू बेबी जू। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़ा। ट्रेडिशनल डिश हम सभी की बहुत ही फेवरेट डिश है। सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे। आज मैं बहुत ही कम मिल्क में रबड़ी बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1/2 लीटर मिल्क लिया है। मिल्क को आप तब तक बॉईल करें जब तक इसका क्वांटिटी हाफ हो जाए। ये शाही टुकड़ा बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है और ये हम आम दिनों में आसानी से बना सकते हैं। जब मिल्क की क्वांटिटी हाफ हो जाए तब हम इसमें पाउडर्ड मिल्क यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप पाउडर्ड मिल्क यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं। मैंने बहुत ही कम बजट वाला रबड़ी बनाया है। मिल्क पाउडर को आप अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे और थिक होने के लिए रख दें। जब ये और थिक हो जाए तब हम इसमें छोटी इलायची को मिक्स करेंगे। रबड़ी अब बिल्कुल रेडी है। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए आप एक पैन में 1 कप वाटर डालें और अपने टेस्ट के हिसाब से आप शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 स्पून शुगर ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें और शुगर ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें फूड कलर यूज़ करेंगे। शुगर डिज़ोल्व होने तक आप इसे अच्छी तरह से बॉईल करते रहें और चलाते रहें। चाशनी बिल्कुल रेडी है। अब ब्रेड को फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है और इसे हाफ काट दिया है। आप इसे अपनी मर्जी किसी भी शेप में काट सकते हैं। ब्रेड के टुकड़ों को हमें घी में फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है। देसी घी में फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल सौंधा सौंधा सा। आप इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। अगर आप इसे डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसे नॉनस्टिक पैन पे रख करके सेक लें और ऊपर से हल्के ब्रश से आप इसे घी लगा दें। अब इसे आप डायरेक्ट चाशनी में डुबो दें। याद रखें कि चाशनी में डुबोने के बाद इसे आप ज़्यादा देर चाशनी में ना रखें, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम बाकी के ब्रेड्स के टुकड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। आप ये शाही टुकड़ा आराम से खा सकते हैं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीनी बिल्कुल भी नहीं है। हमने रबड़ी में भी कोई चीनी यूज़ नहीं किया है। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे वीडियोस को देखा है और इसे पसंद किया है। हम इन ब्रेड्स को अरेंज करेंगे। इसके लिए आप एक प्लेट लें और उसके ऊपर 1 लेयर ब्रेड्स का रखें। 2nd लेयर हम इस पर रबड़ी डालेंगे। इसे रबड़ी से आप बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर दें। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ब्रेड लिया है। अगर आप चाहें तो इसे बड़े से सर्विंग बाउल में भी सर्व कर सकते हैं। जब ये रबड़ी से अच्छे से कवर हो जाए तो आप 1 लेयर ड्राई फ्रूट्स का डालें। यहाँ पे मैंने पिस्ता, काजू और बादाम लिया है। इसे बहुत ही बारीक काटा है और ऊपर से 1 लेयर रख दिया है। ड्राई फ्रूट्स के बाद हम 1 लेयर और ब्रेड का रखेंगे। आप बहुत ही ध्यान से ब्रेड्स को रखें वरना ये टूट जाएगा। पहले वाले प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे आप 1 के ऊपर 1 ब्रेड्स को रखें, फिर रबड़ी से कवर करें बहुत ही अच्छी तरह से, और उसके ऊपर से फिर से ड्राई फ्रूट्स को सजाएंगे। फ्रेंड्स, आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल है और बहुत ही इजी है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है। ये सारे सामान आपके घर में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। इसे आप अपनी मर्जी से गार्निश करें और फ्रिज में ठंडा करके इसे सर्व करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएँ। Thank you for watching.